हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आपके सामने है निसान की मैग्नाइट का फेसलिफ्ट वेरिएंट। इसका टॉप मॉडल है टेक्ना प्लस टर्बो, और यहाँ पर क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो मैं वीडियो बताने वाला हूँ। सबसे पहले एक शोरूम कीमत की बात करें तो यहाँ पर ये स्टार्ट होती है 5.99 लाख और चली जाती है इसका टॉप मॉडल जो एक शोरूम है वो 11.50 लाख तक। ये इसका टेक्ना प्लस टर्बो वाला वेरियंट है मैनुअल ट्रांसमिशन में पेट्रोल, और इस कार में आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलता है वो मैं वीडियो बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और कौन कौन सा वेरिएंट है, कौन सा वेरिएंट आपको लेना सही है, वो सारी चीज़ें मैं वीडियो बात करूँगा। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखोगे तो LED हेडलाइट का सेटअप, जिसमें एक प्रोजेक्टर आ चुका है, और नीचे मिल जाते हैं आपको DRLs। बाकी यहाँ पर आपको फ्रंट में मिल जाती है ग्लॉस ब्लैक कलर की ग्रिल, 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है, निसान की ब्रांडिंग मिल जाती है, और ग्लॉसी ब्लैक में आपको ग्रिल मिल जाती है। पहले नॉर्मल सी मैट में मिल जाती थी, और नीचे आपको फॉग लाइट मिल जाती है LED में। निसान की ब्रांडिंग भाई काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड हो रही है, और यहाँ पर आपको हल्का सा क्रोम मिल जाता है। और बम्पर से अगर आप फ्रंट से देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर लग रही है देखने में। बोनट पे डिज़ाइन मिल जाएगी, वाइपर्स के कंट्रोल मिल जाएंगे, कलर वगैरह काफ़ी ठीक है। ये इसका नया कलर हुआ है, नया कलर क्या फेसलिफ्ट आया तो उसी में थोड़ा सा अपडेट किया है भाई कंपनी ने। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 3 पॉइंट में आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं LED में। ORVM के ऊपर इंडिकेटर, ऑटो फोल्ड ORVM मिल जाता है। डायमेंशंस की अगर मैं बात करूँ, लेंथ मिल जाती है 3994 mm की, विड्थ मिल जाती है 1758 mm, हाइट मिल जाती है 1572 mm, बूट स्पेस आपको 336 लीटर का मिल जाता है, व्हील बेस 2500 mm का, कर वेट 1103 kg का, ग्रॉस वेट आपको मिल जाता है 1486 kg का। और बाकी अगर इसके कंफर्ट वगैरह की बात करें तो कंफर्ट वगैरह भी आपको काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील होने वाला है। और ये टेक्ना प्लस टर्बो वाला वेरिएंट है, अगर आप किसी और भी वेरिएंट में जाना चाहते हैं तो इसका सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है निसान मैग्नाइट एसेंटा। भाई वो वेरिएंट काफ़ी अच्छा है, वो थोड़ा सा सस्ता पड़ जाता है, उसकी एक शोरूम कीमत 7.75 लाख रुपए की पड़ जाती है। बाकी टायर प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ, 195/60R16 का, यानी कि 16 इंचेस के आपके रिम मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको बम्पर थोड़ा सा ब्लैक कलर्स में मिल जाएगा, नीचे की तरफ थोड़े से पार्ट्स लगे हुए प्लास्टिक के जो थोड़े से गाड़ी को मस्कुलर बना रहे हैं। यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, डोर हैंडल्स आपको क्रोम में मिल जाता है, बाकी बॉडी लाइन आपको क्रोम में देखने को मिल जाएगी। 40 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी, पीछे आपको शार्क फिन एंटीना रूफ रेल्स के साथ, और डुअल टोन कलर में है तो भाई देखने में काफ़ी ज़्यादा यूनिक लग रही है। पीछे की तरफ से अगर आप देखोगे तो पीछे भी कुछ चेंजेस आपको नज़र आ रहे होंगे, नहीं नज़र आ रहा है तो मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं LED टेल सेक्शन का सेटअप, क्योंकि पिछले वाले वेरिएंट में फ्रंट में तो LED थी लेकिन बैक में आपको हैलोजन देखने को मिलता था, तो पीछे भी अब LED लाइट्स आ चुकी हैं। यहाँ पर अंदर की तरफ आपको एक येल्लो कलर की लाइट मिल जाती है, 336 लीटर का बूट स्पेस, जिसमें आपको दोनों साइड एक कैरी हुक मिल जाता है। नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको स्टील व्हील मिल जाता है जो कि 14 इंच का दिया गया है, जो कि एक यार देखा जाए तो ठीक है यार, बड़ी बड़ी कंपनियां दे रही हैं स्टील रिम, तो इसने भी दे दिया तो क्या हो गया, बट गाड़ी के हिसाब से ठीक है। यहाँ पर आपको पीछे डीफॉगर और शार्क फिन एंटीना, स्पॉइलर, 360 डिग्री कैमरा, रियर में भी आपको कैमरा विद पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। बाकी मैग्नाइट की ब्रांडिंग मिल जाती है 3D क्रोम में, जो देखने में यार काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। बाकी लाइट्स वगैरह आप यहाँ पर चेकआउट कर पाओगे, मैं चला के दिखाता हूँ। इंटीरियर की बात करें यार, तो सबसे पहले फ्रंट में अगर आप देखोगे यहाँ पर आपको मिल जाते सारे कंट्रोल्स, ORVM के कंट्रोल्स और बाकी विंडोज़ के कंट्रोल, और फ्रंट में आपको ड्राइवर साइड वाली विंडो ऑटो मिलती है, बाकी सारे नॉर्मल हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ऑटो फोल्ड आपको मिरर्स मिल जाते हैं। बाकी नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर, एक स्पीकर मिल जाएगा गेट पर, और यहाँ पर कोई भी ट्विटर वगैरह गेट पर नहीं दिया गया है। बाकी हार्ड प्लास्टिक है, सॉफ्ट टच है, टैन और ऑरेंज कलर का कॉम्बिनेशन यार रखा गया है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आपको मैग्नाइट की बैजिंग मिल जाती है, हल्के से डिज़ाइन मिल जाती है फाइबर पर, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, क्रूज़ कंट्रोल, हेडलाइट लेवलिंग, बाकी AC वेंट्स मिल जाते हैं। नीचे की तरफ भी आपको लेदर टच मिल जाता है। अगर आप देखोगे यार इंटीरियर में तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लेदर का यूज़ किया गया है। बाकी स्टीयरिंग व्हील आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, इग्निशन ऑन करके कुछ इस तरीके का आपको डिस्प्ले मिलेगी स्क्रीन पर। और यहाँ पर अगर आप देखोगे निसान की ब्रांडिंग के साथ कार के हॉर्न कुछ ज़्यादा अच्छे हैं, एयरबैग मिल जाता है। यहाँ पर आपको इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स,
राइट साइड में आपको मीटर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं और क्रूज कंट्रोल का भी यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। स्टेयरिंग व्हील पर आपको ब्लैक कलर का कवर मिल जाता है जिसमें ऑरेंज कलर की स्टिचिंग करी गई है। बाकी डोर को मैं कर देता हूँ बंद। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो स्टेयरिंग व्हील आपको काफ़ी ज़्यादा यूनिक मिलता है। इसमें आपको टेलीस्कोपिक नहीं मिलता है, टिल्ट का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर स्टार्ट स्टॉप का बटन, 6 गियर टोटल मिल जाते हैं रिवर्स गियर को मिलाकर। यहाँ पर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जिसमें आपको यहाँ पर एसी वेंट्स और टेम्परेचर वगैरह, यहाँ पर फैन वन कंट्रोल कर सकते हो और एयर थ्रू आउट का यार काफ़ी अच्छा है और एयर प्योरीफायर भी इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल है और जो एयर है वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्दी मिलने वाली है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डिस्प्ले भी काफ़ी ठीक है, एंड्रॉयड मिल जाता है और यार डिसेंट है, कोई उतना ज़्यादा ना बढ़िया है ना मैं ख़राब कहूँगा, ठीक है कार के हिसाब से जिस हिसाब से प्राइस रेंज है 360 डिग्री कैमरा। लेकिन एक चीज़ यार थोड़ी सी मुझे लगा यहाँ पे, क्योंकि 360 डिग्री कैमरा तो चलो दे दिया इन्होंने, बट कैमरे की जो क्वालिटी है वो यार थोड़ी सी लो है, वो मतलब हकीकत है यार वो थोड़ी सी डाउन रखी है, वो मतलब अच्छी नहीं लग रही इतनी। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लेदर का डैशबोर्ड मिल जाता है, ऊपर आपको हार्ड प्लास्टिक मिल जाती है। बाकी स्क्रीन वगैरह आप चला के देखोगे स्मूथ है यार, उतनी मतलब ख़राब नहीं है, ठीक है गाड़ी। लेकिन यार पैसे के मामले में अगर देखा जाए तो सबसे बेस्ट गाड़ी है। सेफ्टी रेटिंग भी आपको काफ़ी ठीक ठाक मिल जाती है। बाकी यहाँ मैंने रिवर्स गियर लगा के देख सकते हैं आप, गाइडलाइंस मिल जाती हैं पीछे की तरफ। और इसकी एक चीज़ ये ख़राब है कि जब तक आप कार स्टार्ट नहीं करोगे तब तक इसका इंफोटेनमेंट नहीं चलेगा। मैंने जैसे ही कार को बंद किया इसका इंफोटेनमेंट भी बंद हो गया। बाकी यहाँ पर अगर आप देखोगे डिस्प्ले वगैरह काफ़ी ठीक है, यहाँ पे IRVM मिल जाता है बेजललेस जो कि काफ़ी ज़्यादा देखने में अच्छा लग रहा है। वैनिटी मिरर्स मिल जाते हैं जो कि मिरर है, आपको को ड्राइवर साइड देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पर इसकी हैंड ब्रेक होल्डर्स, चाबी कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाती है। बाकी यहाँ पर आप चाबी से ही कार को अपनी स्टार्ट कर पाओगे। अब आर्मरेस्ट भी आपको मिल जाता है जिसमें आपको थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है। लेदर सीट्स मिल जाती हैं 3-tone कलर में और लुक में काफ़ी अच्छा है, कंफर्ट भी आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बाकी डोर को ओपन करते हैं, चलते हैं बैक साइड की तरफ। और कार में यार एक चीज़ अच्छी है, अगर कार पे आप ऑटोमेटिक बिना चाबी निकाले कार के पास आ जाओगे तो ये ऑटोमेटिक अनलॉक हो जाएगी और थोड़ा सा दूर जाओगे तो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगी। ये फीचर मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि जेब से आपको चाबी निकालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा मतलब स्पेशियस केबिन तो लग रहा है। यहाँ पर रियर एसी वेंट्स मिल जाते हैं, नीचे आपको टाइप सी चार्जिंग का पोर्ट मिल जाता है, मैगजीन कवर्स मिल जाते हैं, फ्रंट से कुछ ऐसा लुक आपको निकल कर आता है, ठीक है यार अच्छा भी लग रहा है। आगे आपको 4 AC वेंट्स मिल जाते हैं और कार का AC भी काफ़ी ज़्यादा हद तक सही है। सेफ्टी की बात करें यहाँ पर ABS मिल जाता है, ब्रेक असिस्ट, सेंट्रल लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स, एंटी थेफ्ट अलार्म, 6 एयरबैग और यहाँ पर आपको डे एंड नाइट रियर व्यू मिरर, कर्टन एयरबैग, EBD मिल जाता है, सीट बेल्ट वार्निंग, डोर हजार वार्निंग, ट्रैक्शन कंट्रोल, TPMS, रियर कैमरा विद गाइडलाइंस, एंटी पिंच पावर विंडो, सिर्फ ड्राइवर विंडो मिलती है भाई, स्पीड अलर्ट वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती है। और इंटीरियर में जो रूफ लाइट दी गई ना वहाँ पर आपको मिल जाते हैं हेलोजन के बल्ब, वो LED में देने चाहिए थे। और आर्मरेस्ट मिल जाता है 2 कप होल्डर के साथ और एक फ़ोन होल्डर भी, आप यहाँ यार फ़ोन वोन वगैरह आप रख सकते हो। बाकी थाई सपोर्ट भी आपको सीट्स पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। आइजोफिक्स चाइल्ड माउंट्स मिल जाते हैं रियर की तरफ जो कि यार ठीक है मेरे हिसाब से। हिल असिस्ट मिल जाता है, इम्पैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर अनलॉक, 360 डिग्री व्यू कैमरा। बाकी हेडलाइट्स अगर आप चेकआउट करोगे यहाँ पे, ये देखिए ये इसकी है लो बीम और ये इसकी हाई बीम। इसका जो दोस्तों प्रोजेक्टर है वो मेनली है इसका लो बीम और इसकी जो मतलब नॉर्मल सी LED हेडलाइट है वो है इसकी हाई बीम। और थ्रू आउट काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे दिन का टाइम है आप देख सकते हैं, मैं दिखाई देता हूँ आपको। यहाँ पर अगर आप देख पाओगे लाइट्स काफ़ी ज़्यादा हद तक अपडेट हुई हैं, मतलब काफ़ी अपडेट हुई है, आपको थ्रू आउट काफ़ी अच्छा यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। बाकी पीछे की लाइट्स आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, LED में दी गई हैं और देखने में काफ़ी ज़्यादा डिसेंट लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं। आपको ये 2024 निसान मैग्नेट कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक ये वैल्यू फॉर मनी कार है, आप अगर इसका टॉप मॉडल भी लेते हैं तब भी आपको ये अच्छे कीमत पर मिल जाएगी।
लेफ्ट साइड से अगर आप देखोगे कुछ इस तरीके का लुक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और चार एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं और एक आपको स्टील व्हील देखने को मिल जाता है भाई। बाकी इंटीरियर पे भी अब की बार अच्छा खासा काम किया है निसान ने। यहाँ पर अगर आप देखोगे इंटीरियर वाइज भी कार काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। ग्लव बॉक्स की बात करते हैं, अभी आपको ग्लव बॉक्स नहीं दिखाया मैंने। यहाँ पर आपको मैग्नाइट की इस बैजिंग मिल जाती है। ग्लव बॉक्स आपको मिल जाता है 10 लीटर का, जिसमें आपको मिल जाती है लाइट और अंदर की तरफ आपको मिल जाता है इंसुलेशन जो कि कूल रहता है, और एम्बियंट लाइटिंग भी आपको अंदर की तरफ देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको ये ब्लैक कलर की रूफ मिल जाती है और शाइन ब्लैक कलर में मिरर्स, 360 डिग्री कैमरा, तो आपको ORVM के नीचे भी कैमरा देखने को मिल जाता है। चाबी मैं जेब में लेके घूम रहा हूँ, कार बार बार लॉक अनलॉक होती है। यहाँ पर आपको बोनट कैसे ओपन होता है, बस आपको यहाँ पे ट्रैक्टर जैसे बंद करते हैं बस उसी तरह खींचना, इसका बोनट ओपन हो जाता है भाई। इंजन की बात करते हैं तो सबसे मेन पार्ट है इस कार का 1 लीटर HRA टर्बो 999cc का इंजन मिल जाता है, जो कि 99 bhp की पावर 5000 rpm पर और 160 Nm का टॉर्क 2800 rpm पर जनरेट करता है। 3 सिलेंडर का इंजन है, वॉल्स पर सिलेंडर आपको 4 मिल जाते हैं, टर्बो चार्ज इंजन है, 5-speed मैनुअल गियर बॉक्स, फ्रंट व्हील ड्राइव, और यहाँ पर आपको इस तरीके का इंजन देखने को मिल जाता है। बाकी अगर माइलेज वगैरह की बात करें तो कंपनी जो है इसका माइलेज क्लेम करती है 19.9 kmpl का, यानी कि लगभग 20 का माइलेज आपको ये मिल जाता है इस कार में। तो चलिए बात करते हैं प्राइसिंग की। तो निसान मैग्नाइट टेक्ना प्लस डुअल टोन मैनुअल, इसकी एक शोरूम कीमत है 9,26,000 रुपये। ऑन रोड प्राइस मिल जाती है आपको ये 10,81,000 रुपये की ड्रीम निसान, जो कि पकरी के पुल के पास है यहाँ पर VIP रोड पर लखनऊ में। और यहाँ पर आपको कार का जो लुक है वो काफ़ी ठीक है, अच्छी लग रही है। और बाकी अब चलते हैं इसके थोड़े से और वेरिएंट्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर ये इसका बेस मॉडल है जिसमें आपको मिल जाते हैं स्टील रिम, और टॉप वेरिएंट को छोड़ के बाकी आपको सभी मॉडल्स में हैलोजन हेडलाइट्स का सेटअप देखने को मिलने वाला है। बाकी कार की प्राइसिंग की बात करें तो सारी कार्स आपको अपने बजट में देखने को मिल जाएगी। वीडियो दोस्तों अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ये सारी कार्स आपको ड्रीम निसान्स पे मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन में पूरा एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर है, आप देख सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नई गाड़ी को लेकर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।